तो सब लोग इसको देख के कहेंगे कि अपने हस्बैंड का खून चूस लिया इसने, शादी कैंसिल कैंसिल। अभी ये क्या बला है यार, ओ तेरी ये तो हाइलाइटर है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आफरीन और आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाली वीडियो लेकर आई हूँ। और सिर्फ ये इंटरेस्टिंग ही नहीं है, ये एक मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। एक्चुअली मैंने पिछले वीडियो पे दिखाए थे एक ओर्स मेकअप का एक वीडियो मैंने बनाया था, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि दीदी प्लीज़ उनसे ही, वही पार्लर वाली लेडी से आप ब्राइडल मेकअप करवाओ। तो आज मैं वहीं पर जा रही हूँ ब्राइडल मेकअप करवाने के लिए। मतलब ब्राइडल मेकअप नहीं है, मैं अपनी एनिवर्सरी पर्पज़ ये मेकअप करवाने के लिए जा रही हूँ। मैं उनको यही कहूँगी, एक्चुअली मेरा एनिवर्सरी तो हो गया कुछ दिन पहले ही। सो लेट्स गो। सो मेरी स्टार्ट कहने के तुरंत बाद ही ये आगे एक मॉइस्चराइज़र क्रीम लेके जो मेरी स्किन पे ऊपर वो अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, मेरे फेस को साफ़ किए बगैर ही। वाओ। सो ये आ गया प्राइमर जो बहुत ही पतला लग रहा है मुझे, स्किन के ऊपर लग रहा है कुछ पानी जैसा लग, मतलब ऐसा ही फीलिंग्स। और पता नहीं ये कुछ काम आएगा भी या नहीं। अभी ये मेरी आंखों के नीचे लगा रही है एक टिप जिससे इनका आई मेकअप जो है वो अच्छा बने, और आई होप कि इस बार ये मेरा अच्छा मेकअप करे। सो लेट्स सी। तो ये आ गया ओलिविया का पेन स्टिक जो इन्होंने पिछली बार भी यूज़ किया था मेरे पूरे फेस के ऊपर, और चलो देखते हैं इस बार कितना क्या यूज़ होता है। बट लेट्स सी। आप लोग देख सकते हो कि अच्छे से ब्लेंड भी नहीं हुआ, पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है। अभी ये मेरी आईब्रोज़ को ड्रॉ करेगी और मुझे पता नहीं कि कैसा होगा, तो चलो देखते हैं। आई होप कि पिछली बार की तरह ना हो, मतलब रावण जैसी आईब्रोज़। वाह, दीदी ने तो एंगल ब्रश भी खरीद लिया। वाह 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 वाह, चलो देखते हैं एंगल ब्रश कितना काम आता है। वैसे इस बार मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इनको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूँगी। मतलब डिस्टर्ब की नहीं बात है, पैसे देके काम करवा रही हूँ तो कुछ तो बनता है, बात तो कर ही सकती हूँ कुछ। तो इस बार मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, उनका जो मर्ज़ी आए वो वही करेंगे, जो मेकअप उनको ठीक लगे वो वही करेंगे। खाली मैंने लहंगा लेके मैं गई थी, मैंने पहन भी लिया और लेट्स सी। पिछली बार की वीडियो ने बहुत लोगों ने कहा था कि मैंने उसको कंफ्यूज्ड कर दिया, मैंने उनको ऐसे करके बार बार ये वो कहा, इसीलिए वो नहीं कर पाई। तो मैं चाहती हूँ कि इस बार वो लोग मेरी वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि मैं इस टाइम पे मेरी जो मुंह है वो एकदम बंद रखने वाली हूँ। उनको जो मर्ज़ी आए वो वही करेंगे, 2000 का मेकअप है, आप लोग देख लो। मैंने लहंगा भी पहन लिया और बाकी उनकी मर्ज़ी, उनको लहंगा के हिसाब से ही मेकअप करना है मेरा। और आप लोग देख सकते हो कितने अच्छे रावण वाले आईब्रोज़ बनाए हैं दीदी ने। वाओ। अब ये फिर से आ गया ओलिविया का पेन स्टिक जो मेरे ऊपर वो, मतलब पेन स्टिक के ऊपर फिर से पेन स्टिक अप्लाई कर रही है और आईब्रोज़ को शार्प कर रही है। अभी ये अप्लाई कर रही है एक डिब्बे में पाउडर, और मतलब एक पाउडर जो है डिब्बे में, और ये जो डिब्बे में पाउडर है ये है डर्मिकूल, क्योंकि मुझे ठंडक महसूस हो रही है आंखों में, बहुत अच्छा लग रहा है। अब आईब्रोज़ तो आप लोग देख ही सकते हो, एक टेढ़ा एक सीधा ऐसा हुआ है, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। बहुत सारे लोग कहते बेचारी काम कर रही है, काम करके खा रही है, लोगों को लूट तो नहीं रही है, भीख तो नहीं मांग रही है, इट्स ओके यार, 2000 ही दे रही हूँ, मेरे तो हराम के पैसे है, क्या आ जाता है उसमें। मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि आप लोग भी प्लीज़ इनके पास जो, आप लोगों के पास तो बहुत सारे पैसे हैं, उनसे जाके मेकअप करवाओ प्लीज़। अब इतना भी क्या है यार, कितना पेन स्टिक लगाओगे मेरी आँखों के ऊपर, आँखों में भी बहुत मोटा हो गया है मेरा आँख पूरा, मैं एकदम बीमार दिख रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ। इससे मैंने कुछ इनसे कहा नहीं, बट इसका मेरा जो लहंगा का कलर है आप लोग देखो वो डार्क रेड कलर की है, और इन्होंने तो मेरे आंखों में पिंक आई शेडो लगा लिया। अब क्या करूँ, पता नहीं मैं कैसे दिखूँगी, रिजू मुझे पहचान पाएगी भी या नहीं। एक साल हो गया हम लोगों का एंगेजमेंट, छोड़ के ना चला जाए वो मुझे अभी, प्लीज़ आप लोग थोड़ा दुआ करना मेरे लिए। क्या ज़रूरत है मिडिल फिंगर से आई शेडो लगाने की, ओहो क्या होगा मेरा अभी।
अब ये आ गया ब्लू हेवन का आईलाइनर। 2000 के मेकअप में एक लैक्मे का आईलाइनर तो यूज़ कर ही सकते थे आप दीदी, क्यों ऐसे लूट रहे हो आप गरीबों को। देखो देखो कितना अच्छा आई मेकअप किया दीदी ने। हाँ, कहा था दुल्हन बनाने को, डायन नहीं, अब क्या करूँ। ओ तेरी क्या कर रही है ये, मेरे तो पूरे फेस पे आई शेडो लगा हुआ है और उसी के ऊपर फिर से ओलिविया का पेन स्टिक। पता नहीं मेरी स्किन का क्या हालत करेगी ये औरत, पिछली बार की तरह पिंपल्स ना आने लगे फिर से मेरी स्किन पे। आप लोगों के लिए ही ये सब कर रही हूँ मैं, दुआ करना प्लीज़। थोड़ा प्यार से तो ब्लेंड कर ही सकते हो ना आप, क्यों ऐसे पोछा लगा रहे हो मेरी स्किन के ऊपर इतने ज़ोर ज़ोर से, घिस घिस के, रगड़ रगड़ के। ओ माय गॉड, मेरा स्किन आज तो गया काम से। वैसे इस बार भी मैं लुटने ही वाली हूँ, क्योंकि मैंने कहा था कि एक मुस्लिम ब्राइड को जैसे सजना चाहिए एनिवर्सरी के दिन, आप मुझे ऐसे ही सजा दो क्योंकि घर पे बहुत सारे लोग आने वाले हैं। बट मुझे ये क्या है, ये 2000 का मेकअप कैसे हुआ, ये ब्राइडल मेकअप कैसे हुआ, आप लोग बताओ, कोई देखो, देख के प्लीज़ मुझे बताओ। आप मेरे दोनों आँखों का आई मेकअप और आईब्रोज को देखो, एक है नॉर्मल और एक है एबनॉर्मल। ऐसा लग रहा है कि एक आईब्रोज उड़ते उड़ते आके मेरे आँखों के कॉर्नर पे आके जाके क्रश खा गया। और ये देखो गले में क्या किया, ऐसा लग रहा है कि छाले पड़ गए गले में। मतलब क्यों ये सब क्यों किया तुमने यार। अब ये आगे कंटूर करने के लिए उंगली से, और ये वही ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर रही है। ये एक बहुत ही यूनिक टेक्निक है, आप लोग भी घर पे ज़रूर ट्राई करें। और उसी ब्यूटी ब्लेंडर से वो मेरी फोरहेड पे पेन स्टिक लगा के स्टेम लगा रही है। वाओ, और नाक पे भी। प्लीज़ धीरे करो, मेरा नाक वैसे भी ख़राब है, और ख़राब मत करो यार, मेरी शादी टूट जाएगी। अरे ये आ गया इनका स्पेशल झाड़ू। पता है आप लोगों को याद है वो लाल रंग का झाड़ू जिनसे वो मेरी पिछली बार मेरी जो चिक सेल्स को एकदम टमाटर जैसे लाल लाल कर दिया था, तो इस बार ये बहुत कम यूज़ कर रही है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत कुछ सुधार। पिछले वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कहा था कि मैं फेक वीडियो बनाती हूँ, मैं ये करती हूँ वो करती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, आजकल लोग घर पर बैठ के ब्राइडल मेकअप, बॉडी मेकअप ये सब कर ही लेते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सारे आजकल पार्लर का कोर्स करके करती है, तो इनका भी एक होम पार्लर है। ये खाली मेकअप वगैरह यही सब करती है, और इनके पास बहुत सारे पैसे, ये खाली शौक के लिए करते हैं। का लिप लाइनर इतना ज़्यादा ड्राई है कि लिप में कुछ लगा ही नहीं, बेकार में टाइम वेस्ट। अब ये आगे इनका स्पेशल मस्कारा जो कि खाली है, मतलब कुछ नहीं है इसमें, आप लोगों को चेक करना है। मैं क्लोज दिखाती हूँ आप लोगों को, देखो मेरे आईलैश वैसे की वैसे ही है, ये खाली दिखा रही है कि मेरे पास मस्कारा है, देखो आप, है मेरे पास। अब ये आ गए लिक्विड मैट लिपस्टिक, और इसका कलर आप लोग देखो, ऑरेंज ऑरेंज रेड मिक्स्ड कुछ ऐसा ही कलर है, पता नहीं क्या है। और इस कलर को देख के मुझे मुझे क्या, मैं अगर वाकई में आज मेरा एनिवर्सरी का पार्टी रहता तो सब लोग इसको देख के कहेंगे कि अपने हस्बैंड का खून चूस लिया इसने, शादी कैंसिल कैंसिल एकदम ही, समझ सकते हो आप लोग। अब इनको बहुत सोचने के बाद लगा के कुछ कमी है, आँखों के नीचे थोड़ा सा आई शेडो लगा देती हूँ लाल रंग का, तो कैमरे में बहुत स्मूथ दिख रहा है सब कुछ, आप अगर सामने रहते तो आप लोगों को पता चलता कितनी भयंकर मैं दिख रही हूँ। और ये जो रेड कलर का आई शेडो है इससे लग रहा है कि मैंने खून के आंसू रोए, मतलब खून पी के खून के आंसू रोए, मैं मतलब रो रही हूँ, जो भी हो। ये आ गई फिर से वो ब्लू हेवन का आई लाइनर लेके, मेरी आँखों के नीचे लगा रही है आई लाइनर, और चलो देखते हैं कि मैं और कितना भयानक बना सकती हूँ एक लड़की को, इससे ज़्यादा भयानक और क्या हो सकती है। मेरे फेस को क्या किया तुमने यार,
मेरे पैसे सब गए, सब मैं बर्बाद हो गई यार, प्लीज़ मुझे बचाओ कोई इनसे, और कोई रिक्वेस्ट मत करना मुझको कि इनके पास जाओ, क्योंकि मैं ज़िंदगी में कभी भी इनके पास नहीं आऊँगी मेकअप करवाने के लिए। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने दोबारा। ओहो, ये फिर से आ गई झाड़ू लेके। इनका मन बिल्कुल नहीं भरता, जब तक गालों को एकदम छुटकी जैसी लाल लाल टमाटर ना बना दे तब तक इनका मन भरता ही नहीं है कभी। बार बार वही क्यों करते हो आप यार, छोड़ दो यार अभी मुझे, मैं आप लोग आपको पैसे ऐसे ही दे रही हूँ, आप मुझको अभी जाने दो प्लीज़, मुझे नहीं चाहिए आपका मेकअप। अभी ये क्या बला है यार, ओ तेरी, ये तो हाइलाइटर है, और क्या कर रही है ये, एक लाइन बना दिया यहाँ पे, और क्यों कर रहे हो आप ये सब, ये तो ब्रश जो है ये तो आई शेडो लगाने के ब्रश है, इससे आप मेरी चिक्स पे क्यों, क्या ज़रूरत है यार ये सब करने की, रहने दो आप प्लीज़, मुझको घर जाना है, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ आपसे, प्लीज़ यार नाक पे मत लगाओ, मुझे पसंद नहीं है, क्यों क्या, ओहो इस हाइलाइटर में ब्लेंड करने जैसे कुछ नहीं रही, ब्लेंडर को आप रख दो, आपका ब्लेंडर ख़राब हो रहा है, एक ही ब्लेंडर है ना आपके पास बचा कुचा, उसी से इधर उधर काम चला रहे हो, तो इसको रख दो, आप कोई ज़रूरत नहीं, आप उंगली से ही करो, कोई बात नहीं, क्या है क्या सब, आपका आपका मर्जी है ना, आप कुछ भी कर सकते हो, आप महान हो, वही करो आपको। तो अभी लगने वाला है आई लैश, जो के ग्लू नहीं है उसमें, मुझे नहीं लगता कि ये कुछ नया वया होगा, शायद पुरानी है, तो उन्होंने ग्लू निकाला और लगा दिया, उनको ग्लू निकालने की कोई मतलब दिल नहीं था, बिल्कुल भी मन नहीं था, सोचा कि इससे ही काम चला लूँगी, बट अनफॉर्चुनेटली ये बैठ ही नहीं रहा था, और एक में तो बैठा, दूसरे को ग्लू के बगैर ही वो बिठाने की कोशिश कर रही है तब से बेचारी, बट नहीं लग रही है, बट क्या करे अभी, ग्लू तो देना ही पड़ेगा, बार बार खोल रही है और इधर उधर कर रही है आँखों में हाथ डाल के, कुछ भी, 4-5 मिनट तो आँखों में ही चला गया, आईलैश चिपकाने में ही चला गया, वो कर ही नहीं पा रही थी, और उनको अरे ज़्यादा करके ग्लू लगा के बिठा देते तो काम हो जाता, पर उनको तो अपने ग्लू की बहुत फिक्र थी, वो नहीं लगाना चाहती थी, और एक टाइम तो वो मेरी आँखों में ही मतलब डायरेक्ट ग्लू यूज़ करने की कोशिश कर रही थी, मैंने हटा दिया और मुझे बहुत हंसी आ रही थी, मैं हंस दिया, तो क्या है यार ये औरत पागल है बिल्कुल। तो अभी टाइम है मेरे हेयर स्टाइल के, मैंने कहा कि एक सिंपल सा बना दो, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने कुछ ज़्यादा कहा तो मेरे हेयर का भी सत्यानाश हो जाएगा, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ अपने बालों से, और देखते हैं क्या होता है, अभी मैं ज्वेलरी वुली पहनूंगी तो मैं फाइनल लुक आप लोगों को दिखाती हूँ। सो गाइस, दिस इज़ द फाइनल लुक, और मैं बहुत ही खूबसूरत दिख रही हूँ, एकदम सपनों की परी, और मेरे अंदर से वो गाना आ रही है ला 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 ला। एनीवेज, चलो पैसे की बात कर लेते हैं इनसे। तो कितना देना पड़ेगा? 2000 ही चाहिए पूरे? हाँ, अगर आप दे सकते हो तो वही दे दीजिए, क्योंकि हम तो ब्राइडल 2000 में ही करते हैं। नहीं, और एक बार भी किया था ना, मैं तो आपके पास ही आती हूँ। हाँ हाँ, आप तो आए थे तब, तो नॉर्मल पार्टी गेस्ट मेकअप हाँ। था इसीलिए कम, फिर भी आप क्योंकि आपका हेयर स्ट्रेट है इसीलिए आपने तो नहीं बनाने दिया, तो आप थोड़ा सा कम भी दे सकते हैं। डेढ़ नहीं, 1800 दे दीजिए। हेयर का तो आपने मना किया है इसीलिए। अच्छा अच्छा, इसीलिए 200 कम, ज्यादा नहीं। सो गाइस, मैं आ गई हूँ बाहर, अभी आप लोग देख सकते हो कि बाहर धूप में मैं कैसी दिख रही हूँ, देख लो आप लोग अच्छे से। मैं कुछ नहीं कहूंगी, बहुत लोगों को बुरा लग जाता है जब मैं कुछ कहती हूँ। 1800 का ये वाला मेकअप, अभी रिजू आएगा पिक करने के लिए, तो मैं बहुत ही भयानक दिख रही हूँ, तो मैं ये जो दुपट्टा है वो मैं अच्छे से फेस पे कवर करके घर जाऊंगी और अच्छे से वॉश कर लूंगी फेस, मतलब डायन दिख रही हूँ मैं, मुझे खाली घर जाना है, यहाँ से काफी दूर है घर, तो बस यही है मेकअप। सो गाइस, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना ऐसे फनी वीडियोस देखने के लिए।
एक्चुअली आप लोगों को खाली एंटरटेन करने के लिए ही ये सब होता है, और ये तो एक मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो था, मैंने कहा ही था आप लोगों को। तो आप मेरे जो इसी मैडम ने जो मेरा पहले हाल किया था उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग वहां से जाके चेक कर सकते हो। ओके देन बाय, टेक केयर।